Welcome, you friend, in my YouTube channel. I am Devendra Chaudhary. In this video, we are going to learn about the transmission of plant virus. This is for the course Fundamentals of Plant Pathology. So, let's get started. Plant virus can transmit from infected host to healthy host. And this is known as plant virus transmission. There are different methods by which a plant virus can transmit from one host to another. For example, plant virus transmission by seeds, through pollen, by cascuta, insect, nematode, mite, vegetative propagation. मैकेनिकल ट्रांसमिशन लाइक दैट सो एक एक करके सबको देखते हैं पहले देखते हैं सीट ट्रांसमिशन ऑफ वायरस सो जब कभी भी कोई वायरस सीट के थ्रू ट्रांसमिट होता है तो उसे कहते हैं सीट ट्रांसमिशन फॉर एग्जाम्पल कोकुम्बर मोजेक वायरस जैसे कोई इन्फेक्टेड प्लांट है जिसके अंदर में वायरस प्रेजेंट है इसमें फ्लॉरिंग होगी सीड फॉर्मेशन होगा तो उस समय क्या होगा ये जो वायरस है फ्लोएम के थ्रू उसके सीड्स में इंटर कर जाएगा या फिर उसके सीड कोट में प्रेजेंट रहेगा फिर नेक्स्ट सीजन में जब हम इस इन्फेक्टेड सीड को यूज़ करेंगे तो प्लांट तो बनेगा उसके साथ ही साथ वायरस भी अंदर में मल्टीप्लाई करता है और ये जो प्लांट है वो एज अ इनोकुलम काम करता है और फिर ये वायरस को फैलाता है वायरस सीड के तीन पार्ट में प्रेजेंट हो सकता है या तो वो सीड कोट में प्रेजेंट होगा या एंडोस्पम्प में होगा या फिर एम्ब्रियो में होगा सबके एक एक उदाहरण याद कर लेना चाहिए सीड कोट में कुकुम्बर मोजेक वायरस बीन मोजेक वायरस और कॉपी मोजेक वायरस एंडोस्पम्प में बार्ली स्ट्राइप मोजेक वायरस कोकुम्बर मोजेक वायरस और टोबेको रिंग स्पॉट वायरस एम्ब्रियो में बार्ली स्टाइप मोजेक वायरस बीन कॉमन मोजेक वायरस कॉपी मोज़ेक वायरस सो कॉपी मोजेक वायरस सीट कोट और एम्ब्रियो दोनों में प्रेजेंट होता है आगे बढ़ते हैं ट्रांसमिशन बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फॉर एग्जांपल सिट्रस मोजेक वायरस सो डिफरेंट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड्स हैं वो हैं बडिंग ग्राफ्टिंग कटिंग बाई बल्ब कॉम्स राइजोम्स ट्यूबर्स इन सब के द्वारा जो वायरस है इन्फेक्टेड होस्ट से हेल्दी होस्ट में ट्रांसमिट होता है ट्रांसमिशन बाई मैकेनिकल मीन्स सो बाई कॉन्टेक्ट ऑफ इन्फेक्टेड एंड हेल्दी लिप्स ब्रॉट अबाउट बाई विंड आर बाई रबिंग द जूस ऑफ डिजीज्ड प्लांट ओवर द सर्फेस ऑफ लिप्स ऑफ हेल्दी प्लांट सो so, अगर ये एक इन्फेक्टेड होस्ट प्रेजेंट है और उसके बगल में हेल्दी होस्ट है और दोनों के जो लीप्स हैं आपस में टकराते हैं घिसते हैं जिसके कारण से जो वायरस है इन्फेक्टेड से हेल्दी होस्ट में ट्रांसमिट हो जाता है फॉर एग्जाम्पल टोबेकोमोजेक वायरस ट्रांसमिशन बाई कस्कूटा सो so, एक फेनेरोगेमिक प्लांट पैरासाइट है कस्कूटा जब ये जो कस्कूटा है दो प्लांट में एक साथ इन्फेक्शन करता है तो जो वायरस होते हैं वो इन्फेक्टेड प्लांट से कस्कूटा में ट्रांसमिट होते हैं और कस्कूटा से हेल्दी होस्ट में ट्रांसमिट हो जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सिट्रस मोजेक वायरस फिर आते हैं इंसेक्ट ट्रांसमिशन सो बहुत सारे इंसेक्ट हैं जैसे कि पियर्सिंग एंड सकिंग इंसेक्ट या फिर चिविंग इंसेक्ट लाइक एफिड लीफ हॉपर मिली मिलीबर्ग ट्री हॉपर प्लांट हॉपर थ्रिप्स बीटल इन सब के द्वारा जो प्लांट वायरस है वो इन्फेक्टेड से हेल्दी प्लांट में ट्रांसमिट होता है इंसेक्ट वायरस रिलेशनशिप फोर टाइप का होता है नॉन परसिस्टेंट सेमी परसिस्टेंट परसिस्टेंट सर्कुलेटिव या इसी को कहते हैं सर्कुलेटिव नॉन प्रोपोगेटिव और चौथा है परसिस्टेंट प्रोपोगेटिव। इसको हम डिटेल में समझते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कभी कभी ये जे आर एफ एस आर एफ और नेट एग्जाम में ज़रूर आता है इस पिक्चर में देखिए ये है प्लांट सेल और ये है इंसेक्ट सो जो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के इंसेक्ट होते हैं वो स्टाइलेट के थ्रू प्लांट से सेब को शक करते हैं और अपना फूड गेन करते हैं इमेजिन कीजिए कि इस प्लांट सेल में वायरस भी प्रेजेंट है सो so, जब इंसेक्ट प्लांट सेप को सक करेगा तो उसी के साथ ही ये जो प्लांट वायरस है इंसेक्ट बॉडी में भी चले जाएगा सो so, ये जो रिलेशनशिप है वायरस का और इंसेक्ट का ये फोर टाइप का है पहले देखते हैं नॉन परसिस्टेंट रिलेशनशिप इसमें क्या होता है प्लांट वायरस सेल में प्रेजेंट है जो इंसेक्ट है वो प्लांट सेप को सक करता है और उसके बाद जो वायरस है वो इंसेक्ट के स्टाइलेट में अटैच हो जाता है लेकिन ये इंसेक्ट के बॉडी में अंदर इंटर नहीं करता है फिर क्या होगा कुछ देर बाद जब ये इंसेक्ट किसी दूसरे प्लांट में फीड करेगा तो ये वायरस भी उसी के साथ जाएगा और अगली फीडिंग में जो वायरस है वो दूसरे प्लांट में ट्रांसमिट हो जाता है और ये जो वायरस है कुछ मिनट तक ही स्टाइलेट में अटैच रहता है इसी को कहते हैं नॉन परसिस्टेंट रिलेशनशिप फिर देखते हैं सेमी परसिस्टेंट इसमें क्या होता है जो वायरस है वो स्टाइलेट में अटैच होता है लेकिन ये कुछ घंटों तक अटैच रहता है फिर है परसिस्टेंट सर्कुलेटिव इसमें क्या होता है जो प्लांट वायरस है वो फूड के साथ फॉरगट में चले जाता है और वहाँ से मिड गट और हिंड गट में चले जाता है उसके बाद ये जो वायरस है वो इंसेक्ट के हीमोसिल में चले जाता है हीमोसिल मतलब वो एक तरह का इंसेक्ट का ब्लड है और हिमोसिल के बाद वो सेलिवरी ग्लैंड में चले जाता है उसके बाद जब ये इंसेक्ट किसी दूसरे प्लांट को फीड करेगा उस समय ये सेलिवरी ग्लैंड के सिक्रीसन के थ्रू दूसरे प्लांट में ट्रांसमिट होता है सो so, ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें टाइम लगता है एक से तीन दिन का टाइम सो so, ये जो टाइम है इसे कहते हैं लेटेंट पीरियड सो हम ये कह सकते हैं परसिस्टेंट सर्कुलेटिव रिलेशनशिप में एक से तीन दिन का लेटेंट पीरियड होता है अब देखते हैं परसिस्टेंट प्रोपोगेटिव ये भी सर्कुलेटिव जैसा ही है लेकिन इसमें एक ही डिफरेंस है कि जो वायरस होते हैं वो इंसेक्ट बॉडी में मल्टीप्लाई होते हैं ठीक है सो नॉन परसिस्टेंट द वायरस बाइंड द स्टाइलेट ड्यूरिंग फीडिंग एंड इज रिलीज वेन द इंसेक्ट सीक्रेट सलाइवा ऑन द न्यू फीडिंग प्लेस सेमी परसिस्टेंट द वायरस बाइंड द स्टाइलेट ऑफ इंसेक्ट ड्यूरिंग फीडिंग एंड इंसेक्ट रिमेन वायरली फेरस फॉर फ्यू आवर्स persistent CIRCULATIVE the virus circulate up through the food canal and across the midgut hindgut and reaching the hemocoel from hemocoel it reach to the salivary gland and it will transmit to the new host when the insect will feed on the other host persistent propagative the virus circulate in the host as described above means लाइक सर्कुलेटिव मैनर यहाँ पर इन चारों का कंपेरिजन दिया गया है आप इसका स्क्रीन शॉट लेके पढ़ सकते हैं अब देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स के बारे में जो इंसेक्ट है वह है एफिड सो जो एफिड है वह चारों मोड में ट्रांसमिशन करता है लेकिन सबके जो एग्जाम्पल्स हैं वो अलग अलग होते हैं अल्फेमो इसका मतलब है अल्फाल्फामोजेक वायरस कुकुमो मतलब कुकुम्बर मोजेक वायरस ये नॉन परसिस्टेंट मैनर में ट्रांसमिट होते हैं कॉलीमो मतलब कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस ये सेमी परसिस्टेंट मैनर में ट्रांसमिट होते हैं ये जो टॉपिक है या एग्जाम्पल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं स्पेशली इसके एग्जाम्पल्स को लेके वाइट फ्लाई सेमी परसिस्टेंट मैनर में स्वीट पोटेटो माइल्ड मोटल वायरस और सर्कुलेटिव मैनर में ओकरा येलो मोजेक वायरस मूंगबीन येलो मोजेक वायरस एंड कॉटन लीव कल बग, बनाना स्ट्रिक वायरस थ्रिप्स टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस लीफ ऑपर लाइक राइस टूंगरोपेरिकल वायरस प्लांट ऑपर टिनोई वायरस फिजी वायरस और वायरस। सो ये जीनस के नेम हैं ट्री हॉपर टोपकू वायरस या फिर टोमेटो सुडो टॉप वायरस बीटल कॉपी मोजेक वायरस अब आते हैं ट्रांसमिशन बाय पोलेंड इस मेथड में ट्रांसमिशन कैसे होता है जैसे इन्फेक्टेड होस्ट फ्लावर प्रोड्यूस करेगा और पोलेंड भी बनाएगा सो so, ये जो वायरस होते हैं वो पोलेंड के वाल में चिपक जाते हैं और पॉलन के साथ ही साथ वो दूसरे ट्रीज़ में या दूसरे प्लांट में ट्रांसमिट होते हैं और फिर वहाँ पर इन्फेक्शन करते हैं निमेटोड एज अ वैक्टर टू टाइप के वायरस हैं निपो वायरस मीन्स निमेटोड ट्रांसमिटेड पॉलीहेड्रल वायरस और वायरस निमेटोड ट्रांसमिटेड ट्यूबुलर वायरस ये पॉलीहेड्रल होते हैं इनका जो सेफ होता है वो पॉली है और इनका जो सेप है वो ट्यूब लाइक होता है रॉड सेप का होता है सो so, इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्रेप वाइन वायरस लेट्यूस रिंग स्पॉट वायरस एंड टोबेको रिंग स्पॉट वायरस और नेटू वायरस के एग्जाम्पल हैं टोबेको रेटल वायरस पी अर्ली ब्राउनिंग वायरस सो so, कौन कौन से निमेटोड हैं जो वायरस को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसमिट करते हैं वो है जिफीनेमा, नेमा लॉन्गिडोरस पैरा लॉन्गिडोरस ये नीपोवायरस को ट्रांसमिट करते हैं और ट्राइकोडोरस और पैरा ट्राइकोडोरस ये नेटू वायरस को ट्रांसमिट करते हैं माइट एज अ वैक्टर सो ये जो माइट होते हैं ये इंसेक्ट नहीं है ये एरेगनेडा में आते हैं जो स्पाइडर की फैमिली है उसमें आते हैं माइट का साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है और ये व्ट स्टिक मोजेक राइग्रास मोजेक पिजन पी स्टेलिटी मोजेक वायरस को ट्रांसमिट करते हैं फंगस एज अ वैक्टर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये प्लांट सेल है और इसमें फंगस का इन्फेक्शन हुआ है अगर इसमें वायरस भी प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा जब फंगस अपना जूस पोर बनाएगा तो उस समय ये वायरस जूस पोर के वॉल्स में चिपक जाएंगे और उसके ही साथ किसी दूसरे होस्ट में चले जाएंगे सो फंगल वेक्टर को याद करने के लिए एक कोड है ओप्स डबल ओ डबल पी डबल एस ये हैं ऑल्पीडियम ब्रेसिकी ऑल्पीडियम रेडिकल पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस पॉलीमिक्सा बीटी स्पंजोस्पोरा, सबटेरेनी और सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम ये फंगस हैं और ये उनके द्वारा ट्रांसमिट होने वाले वायरस है ऑल्पीडियम ब्रेसिकी ट्रांसमिट करता है टोबेको नेक्रोसिस वायरस को ऑल्पीडियम रेडिकल कोकुम्बर नेक्रोसिस वायरस को पॉलीमिक्रेमिनिस के बहुत सारे वायरस हैं जैसे कि सॉयल बॉर्न वीट मोजेक वायरस वीट स्पिंडल स्टिक मोजेक वायरस बार्ली येलो मोजेक वायरस एंड वोट येलो मोजेक वायरस सो एग्जाम में ऐसे ही आ सकता है कि सॉइल बॉर्न वीट मोजेक वायरस का वेक्टर कौन सा है इंसेक्ट है माइट है या फंगस है या निमेटोड है ऐसी टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके आ सकते हैं पॉलीमिक्सा बीटी ट्रांसमिट करता है बीट नेक्रोसिस येलो मोजेक वायरस को पॉलीमिक्सा बीटी ट्रांसमिट करता है बीट नेक्रोसिस येलो वायरस को स्पोजोस्पोरा सब ट्रांसमिट करता है पोटेटो मोपटोक वायरस को ये नेट एग्जाम में भी आ चुका है और सिंकाइट्रियम इंडोबायोटिकम ट्रांसमिट करता है पोटेटो वायरस एक्स को इस वीडियो के लिए इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद टू डाउनलोड लेक्चर नोट्स इन पी डी एफ फॉर्मेट प्लीज ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल To join my channel, either you can scan this QR code or you can search dr underscore agriculturist in Telegram.